बसमिल डियर स्टूडेंट्स आई होप यू विल बी फाइन दिस इज योर सोशल क्लास एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टूडे अबाउट पेट एनिमल्स आई नो दैट यू हैव सीन सो मैनी एनिमल्स इन योर होम लाइक गोड लाइक पैरट लाइक रेबट काओ आपने बहुत सारे पैट एनिमल्स अपने घर में देखे होंगे जिनमें काउ है रेबेट है पैरट है डॉग है कैट है और चिक है ठीक है ना इसके अलावा और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि हम अपने घर में पालते हैं पेट पेट एनिमल्स का मतलब है कि जो जानवर हम अपने घरों में पालते हैं और उनसे हमें कोई नुकसान भी नहीं होता उनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं ठीक है तो ये सारे एनिमल्स जिनके मैंने अभी आपके सामने नाम लिए हैं दीज आर ऑल पेट एनिमल्स ओके स्टूडेंट्स सो आवर चैप्टर इज ऑल्सो अबाउट एनिमल्स एंड देयर होम्स दिस इज द लेसन नंबर थर्टीन एनिमल्स एंड देर होम यासिर एंड अनम हैव पैट यासिर और अनम एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज अनम एंड दिस इज यासिर यासिर और अनम के पास एक पैट है इट इज़ अ डॉग द डॉगस नेम इज़ स्पॉटी अच्छा डॉग का क्या नाम है उनके पास एक डॉग है जो कि पेट एनिमल है और उस डॉग का नाम है स्पॉटी मैनी पीपल कीप स्मॉल एनिमल्स और अ बर्ड्स एट होम एज आई टोल यू बिफोर के जो छोटे uh, एनिमल्स को और जो हमें नुकसान भी नहीं पहुँचाते उनको अपने घरों में लोग पालते हैं ठीक है दे गिव दम फूड एंड अ होम टू लिव वो उनको खाना भी देते हैं और उनको घर भी मुहैया करते हैं ताकि वो साथ रह सकें पीपल लव दियर पैट्स दे प्ले विद दैम अब लोगों को जो पैट पसंद होता है जो एनिमल एज अ पैट पसंद होता है वो उसी को अपने घर में रखते हैं और उससे वो खेलते हैं उसको खाना भी देते हैं और उनको घर भी फरहम करते हैं वी शुड लुक आफ्टर अवर पैट्स एंड केयर फॉर देम हमें अपने घर में जो भी हम पैट्स रखें जैसे आपके भी मोस्टली uh, बहुत सारे बच्चों के घरों में पैरट uh, होगा या कैट रखी हुई होगी या डॉग होगा या फिर वो छोटे छोटे चूजे होते हैं ना वो बच्चों ने रखे हुए होते हैं वो होंगे तो ये सारे हम पेट्स जो रखते हैं ये हम अपने खेलने के लिए रखते हैं उनको पालने के लिए रखते हैं क्योंकि हमें वो अच्छे लग रहे होते हैं ठीक है ना तो हमें उनकी केयर भी करनी चाहिए ये नहीं कि सिर्फ हमने अपने घर में रख लिए हैं अपनी खुशी के लिए नहीं हमें उनका ख्याल भी करना चाहिए हेयर आर सम पेट्स यहाँ पे बहुत सारे पर्ड्स हैं जहाँ जिनको जिनकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं हेयर इज़ द पैरट्स बर्ड अटोरटॉयस कछवा अरेबिट या खरगोश कैट्स बिलियाँ अ डॉग अ स्नैक एंड अ लॉइन ओके टेलमी हम स्नैक और लॉइन को अपने घर में पाल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं पाल सकते क्योंकि ये एक वाइल्ड एनिमल है और इनसे हमें नुकसान पहुँच सकता है इसलिए हम इनको अपने घर में नहीं पाल सकते सम एनिमल्स आर टू डेंजरस टू कीप एज पैट्स कुछ जानवर इतने डेंजरस होते हैं कि हम उनको अपने पेट्स के तौर पर पालतू जानवर के तौर पर नहीं रख सकते क्वेश्चन आंसर नंबर वन इज विच एनिमल्स मेक गुड पेट्स कौन से एनिमल्स हैं जो अच्छे पेट्स हो सकते हैं अब आपके ख्याल में जो भी अच्छे पेट्स होंगे वो आपने अपने हिसाब से लिख देने हैं ठीक है थीके? Which animals वुड नॉट मेक गुड pets? कौन से एनिमल्स हैं जो अच्छे पेट्स नहीं हो सकते आपको क्या लगता है कौन से एनिमल्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो हमारे लिए अच्छे पेट्स नहीं हो सकते उनके आपने नेम्स लिख देने हैं नंबर थ्री हाउ शुड पीपल टेक केयर ऑफ देयर पेट्स अब नंबर थ्री क्वेश्चन में आपने बताना है कि पीपल अपने घर में अगर पेट्स रखते हैं तो उनकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पेज

बर्ड्स को परिंदों को और इंसेक्ट जो छोटे जानवर होते हैं ये हश्रात उनको कहा जाता है उनको घर की ज़रूरत होती है दे द होम्स दे लिव इन हैव डिफरेंट नेम्स जहाँ पे वो रहते हैं उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं ठीक है जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं उनको हम कहते हैं नेस्ट जहाँ स्पाइडर रहती है उसको हम कहते हैं अवेब और जहाँ पे बी रहती है उसको हम कहते हैं बीह Understand everyone? Now did you know the largest nest on record was built by a pair of eagle? It was nearly 3 meters wide and 6 meters deep. डीप अब यहाँ ये डिड यू नो में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिसमें ये बताया गया है कि जो सबसे बड़ा नेस्ट था वो दो ईगल्स का था पेयर ऑफ ईगल यानी जोड़ा था एक ईगल्स का उनका था और वो नीरली तीन मीटर बड़ा था और छः मीटर गहरा था यानी बहुत ही बड़ा था वो नेस्ट ओके हेयर आर द क्वेश्चन हैव यू सीन अ नेस्ट आपने कभी नेस्ट देखा है वेयर आपने कहाँ नेस्ट देखा है इसका आंसर आप बहुत ईजीली देख सकते हैं सेकेंड वन इज़ हैव यू सीन आ बिहाइव वेयर आपने बिहाइव देखी है कहाँ देखी है इसका आंसर भी आप खुद दे सकते हैं हैव यू सीन आ स्पाइडर्स वेब वेयर आपने स्पाइडर वेब देखी है कहाँ देखी है इसका आंसर भी आप ईजीली खुद लिख सकते हैं i hope everyone you understand the chapter well thank you so much allah hafiz